जय माता दी, जय मां कामाख्या। आत्महत्या या आत्मघात करने पर मनुष्य को बहुत तड़पना पड़ता है। क्रोध क्रोध में वह आत्महत्या तो कर लेता है, या अपने ऊपर पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेता है, या पांचवी मंजिल तीसरी मंजिल से कूद करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर पानी में डूब जाता है, या एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो इसे आत्महत्या कहते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या में मरता है उसकी आत्मा बहुत तड़पती है, भयंकर तड़पती है आत्मा। वो तड़पने के बाद में उसको कई प्रकार से सजा भी मिलती है, उसे कई दिनों तक भूखा प्यासा रहना पड़ता है, और भूखे प्यासे की वजह से उसके मन में प्रेम की भावना बिल्कुल भी नहीं होती है, वह निर्मोही हो जाता है। और जब निर्मोही हो जाता है तो वह किसी को भी, चाहे वह अपने परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो या बाहरी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बर्बाद करना प्रारंभ कर देता है। तो सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं कि आत्महत्या जिस परिवार में हो जाती है उसके क्या नियम का पालन करना चाहिए। यदि किसी परिवार में, किसी घर में कोई मनुष्य आत्महत्या कर ले तो उसके यहां पर 6 माह तक अशुद्धता रहती, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मतलब 6 माह तक उसके यहां पर कोई भी अनुष्ठान नहीं हो सकता, कोई पूजन नहीं हो सकता। 6 माह तक उस परिवार के सदस्यों को अशुद्धता की वजह से किसी मंदिर में नहीं जाना है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, किसी के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मांगलिक कार्यक्रम अमांगलिक कार्यक्रम में परिवर्तन हो जाता है। अमांगलिक कार्यक्रम का मतलब हो गया गोद भराई का कार्यक्रम हो गया, विवाह का कार्यक्रम मांगलिक हो गया, जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम मांगलिक हो गया, मुंडन संस्कार मांगलिक हो गया, रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम मांगलिक हो गया। इस प्रकार से ये कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, इन मांगलिक कार्यक्रम में उसको शामिल नहीं होना है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं होना है। और जिसके यहां आत्महत्या हुई उस घर का दूसरे मनुष्यों को पानी भी नहीं पीना चाहिए 6 माह तक, और उसके यहां का भोजन भी नहीं करना चाहिए, और जिस घर में आत्महत्या हुई है उस परिवार वालों को दान धर्म भी 6 माह तक नहीं करना चाहिए। यदि वो दान भी देते तो भी उनके लिए वो कष्टकारी होगा, और यदि वो पूजा पाठ करते तो वो भी कष्टकारी होगा। और साधारण मनुष्य जिसको ज्ञान हो कि इस परिवार के में आत्महत्या हुई है, उस परिवार के यहां जिसके यहां आत्महत्या हुई हो उसके यहां का पानी भी नहीं पीना चाहिए और भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जिसके यहां आत्महत्या हुई हो उस पर उसके परिवार के सदस्यों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता जी के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करना चाहिए। आत्महत्या बहुत निर्दयी होती है, आत्महत्या यानी भयंकर दोष की उत्पत्ति होती है। उस घर में प्रेत दोष, पितृ दोष, मातृ दोष, ये सब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिसके यहां आत्महत्या हो जाती है, कोई मनुष्य आत्महत्या कर लेता है तो धीरे धीरे वह परिवार नष्ट होने लगता है, यदि उन्हें उचित पूजा पाठ नहीं कराए, उचित रोकथाम नहीं की तो।
इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि जिस परिवार में आत्महत्या हो गई हो उस परिवार के सदस्य यदि कोई काम करता है तो उस सदस्य को भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किसी भी मंदिर में नहीं जाना है, काम करने के लिए भी मंदिर में नहीं जाना है। यदि वो प्लास्टर करने का काम कर रहा है तो मंदिर में नहीं जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है तो मंदिर में इलेक्ट्रिसिटी सुधारने नहीं जाना है, यदि वो लाइटिंग लगाने का काम करता है तो लाइटिंग लगाने के लिए मंदिर के गुम्बद पे नहीं चढ़ना है, और यदि वो पुताई करने का काम कर रहा है तो मंदिर के गुम्बद पर या मंदिर में कहीं पर भी पुताई नहीं करना है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य जिसके यहां आत्महत्या हो जाती है उसके परिवार का कोई सदस्य किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के परिसर में चला जाता हो या मंदिर में चला जाता हो तो उसके यहां भयंकर कष्ट की उत्पत्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, उसके यहां एक दो मौत और होने लगती है, एक दो मौत और हो जाती। फिर कहते हैं कि साहब एक साल में हमारे यहां हर साल एक न एक व्यक्ति की मौत हो रही है। अरे गलती तो आप खुद करते हो और फिर दोष भगवान को देते हो, क्यों आपने नियम कानून का पालन नहीं किया, क्यों आपने किसी अच्छे शास्त्री ज्योतिषाचार्य ज्ञानवान व्यक्ति से क्यों नहीं मिले, क्यों आपने शास्त्र का पाठन नहीं किया। गलती आपकी है, ईश्वर की गलती नहीं है, और ईश्वर को दोष देने से दोष और बढ़ता है, इसलिए ईश्वर को दोष बिल्कुल भी ना दें। जिसके यहां आत्महत्या हो जाती है उसके परिवार के सदस्यों को 6 माह तक दान पेटी में दान भी नहीं देना चाहिए, 6 माह तक किसी साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी के पैर नहीं छूना चाहिए और उनको भोजन पानी भी नहीं देना चाहिए। यदि ये काम करते हैं तो ये दान धर्म ये सब ब्रह्मांड में भटकता रहता है, आपको नहीं लगेगा, ये सब बेकार जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आत्महत्या करने वाले की आत्मा बहुत तड़पती है, भूखी प्यासी रहती है, वो किसी न किसी शरीर पर चिपक जाती जो अशुद्ध होता है। जो अतृप्त आत्मा होती है वह किसी न किसी के शरीर में चिपक करके अपनी भावनाओं को अपनी इच्छाओं को तृप्त करती है। यदि उसकी सेक्स की इच्छा है तो वह उसके साथ सेक्स भी करता है, और यदि उसकी इच्छा भूख की प्यास की है तो वह खाना भी खाता है शरीर में रहकर के और पानी भी पीता है। इसलिए अशुद्धता की अवस्था में बहुत सावधानी से रहें। उचित गुरु और ज्ञानवान मनुष्य मिलकर के उसके नियम कानून को लिख करके ला करके पूरे परिवार को पालन करवाएं, अन्यथा आपके ऊपर कष्ट और बढ़ता है। हमारे पास बहुत से फोन आते हैं, कहते साहब ये कष्ट है वो कष्ट है, अरे मैं क्या क्या देखूं, आपने नियम कानून का पालन नहीं किया, और कष्ट यदि ईश्वर दे रहा है तो उसको सहन करो। मैं कोई भगवान नहीं जो आपके कष्टों को कम कर दूंगा, हां मैं आपको नियम कानून बता सकता हूं कि यदि आपने ऐसा ऐसा गलत काम कर लिया है तो उसका प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित कर्म करने के लिए एक ही चीज होती है जिसको बोला जाता है नांदी श्राद्ध कर्म करना। हर अमावस्या को नांदी श्राद्ध कर्म करें और प्रायश्चित स्नान करें, यथाशक्ति यथा योग्य दान दें, तो आपका धीरे धीरे पाप कर्मों का प्रायश्चित होगा और उसके बाद आप सुखी रह पाएंगे। अन्यथा हर साल एक न एक व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है, कभी कभी साल में 2 मृत्यु हो जाती है। ये क्यों होता है, यह भी सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से होता है। मां भगवती आदि शक्ति भवानी जगत जननी आपको नियम कानून पर चलने की शक्ति प्रदान करें, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सद्वाणी प्रदान करें और आपको सद्गुरु प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी नीलप्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार्थ सिद्धयेत। हई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते
गिरीवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शेलसुते।